एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ दी। तो आज है आई थिंक 11, 12, 13, 14, 15, 16 डे 6 ऑफ मेरे देवर की शादी और आज है घड़ोली। एज यू सॉ इन द लास्ट व्लॉग, हम लोग लेट सोए और सुबह 7 बजे आश्रम की क्लास थी, हमने वो ले ली, हम नहा धो लिया, हम तैयार हो गए, ध्यान भी रेडी हो गया और अब मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं आपको पूरा कवर करूंगी इस व्लॉग में, घड़ोली और शादी, ये दोनों चीज़ें, बारात, एवरीथिंग आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। तो एंजॉय द व्लॉग। ले, ये लोग तो तैयार ही नहीं है। गलत बात है यार, तुम तैयार हो के हमारी नाइट तो, और आप लोग क्यों तैयार नहीं हुए अभी तक? अरे काम कर रहे थे। सैंडविच, आप सैंडविच खाओगे? नहीं मामी, बस इतना अमीर होना है कि अपना खुद का प्रेस वाला बिठा ले। ये है लाइफ, ये है। अरे इतनी अमीरी चाहिए बस। मतलब वहां तक पहुंचे ही ना, तुम्हें मिल जाए पहले, है ना, इसलिए यहाँ खड़े हो गए। पहले निकाल लूं सैंडविच, आज दिख रहे हैं गोलू के बाइसेप्स। यकीनों को मिल गए हैं उसके ब्लॉक्स, अब ये इसमें बिजी रहेगा। बाहर हो रहा है नाश्ता और लग रहा है पूजा का सेटअप। चल रही पूजा में 10-15 मिनट थे तो हमने सोचा कि आज फॉर्च्यूनर को सजवाना भी है डोली के लिए, तो मैं और आशु सर जा रहे हैं उसको एडवांस वगैरह देने और बात करने, क्योंकि आज शाम को गाड़ी सजेगी, तो हम पहले वहाँ जा रहे हैं। शाम को गाड़ी वॉश के लिए आनी है, उसकी भी बात करते ही जाएंगे। साइड में पूजा चल रही है और किसी की टंकी भर गई है और सारा पानी नीचे आ रहा है, सारा पानी। लेट मी शो यू। तेल की रस्म, हाँ गोलू घर पे ही रुकेगा, साथ में कियान रुकेगा, साथ में अदा भी रुक रही है। हाँ, अदा भी रुक रही है, बहुत गर्मी है। गर्मी ये सही हो गया वैसे, गोलू गर्मी हो गई। कल उन्होंने हल्दी लगाई है, आज तेल लगा दिया, सही है ना? मॉइस्चर मॉइस्चर। यार आ गए हैं वापस। इट वॉज नॉट ईजी, धूप बहुत तेज और हाथ यहाँ, मतलब आज लग रहा है जिम जाने का फायदा है। शोल्डर्स में यहाँ दर्द होनी शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वॉज टू गुड और ऊपर से सूट मिलना एंड इतने सारे पर्क्स, बहुत मज़ा आया। अब बस लंच करेंगे एंड फटाफट से करके निकलेंगे, क्योंकि आज है बारात और डिले नहीं होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। बस जा रहे हैं हम खाना खाने ऊपर। नाउ इट्स लंच टाइम, जल्दी से लंच खा के निकलना है क्योंकि तैयार होना शुरू करना है, 3 बजने भी वाले हैं। तो भाई छत से टाप के हम आ गए यहाँ से ही, इधर छत से ही अब हम जा रहे हैं नीचे। इसको जल्दी से सुलाऊंगी और होने फिर हम तैयार होने शुरू हो जाएंगे
एंड मैं शादी के लिए पहन रही हूँ अपनी शादी का लहंगा जो हम लोग सुपर एक्साइटेड. देख रहे हो ये लड़कों की तैयारी शादी पे जाने से पहले. ये हम लड़कियों की तैयारी शादी पे जाने से पहले. आई एम हाफ एक्चुअली फुल रेडी, बस लहंगा पहनना रह गया है. दिस इज माय लुक. ऐसा लग रहा है आज मेरी ही शादी है फिर से. बहुत ब्यूटीफुल तैयार किया है. बस इयररिंग्स पहनने भी रहते हैं. मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ मिरर में. सबसे बड़ा मेन टास्क ही लहंगा पहनना है क्योंकि मेरा लहंगा बहुत हैवी था यार. घुस गए अंदर. तीनों की दुल्हन हो रही है. यार इन दीदी ने आज मेरा मेकअप किया है और उन्होंने मेरा हेयर स्टाइल किया है और आपने देख लिया है कि कैसा लग रहा है. तो बहुत ही अच्छा किया है दीदी आपने. थैंक यू दीदी, थैंक यू. तो भाई मैंने वीडियो कॉल करी आशु सर को और मैंने कहा देखो मैं कैसी लग रही हूँ क्योंकि ये बाहर गए हुए थे फॉर्च्यूनर को सजवाने. तो ही सेड तू तो अच्छी लग रही है लेकिन मेरी फॉर्च्यूनर तो ज्यादा अच्छी लग रही है. मैं दिखाती हूँ आपको फॉर्च्यूनर सच की आ चुकी है. अब आप बताना कमेंट में कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है. तो ये डेकोरेट हो गई है हमारी फॉर्च्यूनर. सिंपल सोबर एंड ब्यूटीफुल. अब हम गोलू के लिए वेट कर रहे हैं इधर. इजी है ये पहनना. इजी है. एक फिंगर से ला सकते हो मेरा लहंगा. इतना भारी लहंगा है ये. आ गए दूल्हे राजा. दूल्हे राजा आ गए. तो अभी हम इनसे मिले और ये हमारे सारे व्लॉग देखते हैं. एक बज गया. अब हम खा रहे हैं सारे खाना. ये हमारे दूल्हा दुल्हन. कपड़े बदल दिए यार. गठबंधन. बंधन प्यार से जोड़ा.
दादा तो इस लड़के की हिम्मत है, वहाँ मुझे 4 बज गए पूरे अभी तक उठा हुआ है। इधर लेट जा, हाँ अब नींद आ गई उसको, पूरे 4 बज गए। इनको आते ही लेटा दिया है क्योंकि टाइम बहुत लेट हो गया है, अब केक कृतिका का वेट कर रहे हैं बस। वेलकम वेलकम, चलो अच्छी बात है ना, पहली बार ही देखना चाहिए। वेलकम, बहू की बलाएं लेके सारी मामी खुद ले रही है बलाएं। डिटॉक्स वाटर होता है। 6:45 बज गए थे जिसकी वजह से मामी ने कहा कि आज हम रस्म नहीं करेंगे, मतलब अभी पहले सो जाओ फिर उठ के करेंगे। लेकिन मेन बात है अब हम घर आ गए और ये कैसे खुलेगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं ऑलरेडी 100 पिंस ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ यहाँ पे, भाई ये कैसे खुलेगा। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, बहुत थक गए हैं, 6 बज जाएंगे अभी सोते सोते, और कल सुबह फिर जाना है मामी घर, रस्म होनी है क्योंकि जो आज हुई थी वो जो ढूंढते हैं रिंग, लड़का लड़की गाना खोलते हैं ये सब अभी कल होगा सुबह, तो फिर जाना है उधर। तो बस अभी मैं एंड करती हूँ व्लॉग।